मुझे अक्सर लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि रेकी एंड माइंड पावर से क्या क्या ठीक हो सकता है। मैं बोलता हूं आपके जीवन के हर पहलू में जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। ये संजीवनी बूटी है जो हर रोग को हर सकता है। ये अलादीन का चिराग है जिसे आप जो चाहे मैनिफेस्ट करवा सकते हो। अगर आपको जानना है कि यह सच है कि नहीं, आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि आपकी लाइफ की हर पहलू को ये हील कर सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेकी एक्चुअली क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है जो बीमारियों को दूर करेगा? नहीं, ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं होता। ये एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है जो एनर्जी एंड माइंड पावर से काम करता है, और ये सबसे पहले आपके रूट कॉज को एड्रेस करता है। जिसकी वजह से कोई बीमारी हुई हो, कोई भी बीमारी हो, उसका कोई ना कोई रूट कॉज है। कुछ आपको मेडिकल टेस्ट से पता चलेगा और कुछ चीज़ आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो कार्मिक एनर्जी ब्लॉकेज होता है जो दिखेगा नहीं। तो उस ब्लॉकेज को ये हील करता है, तो आपको जो भी सरफेस में दिख रहा है वो धीरे धीरे ठीक होते हुए दिखाई देता है। धीरे धीरे मतलब कोई हफ्ते, दिन, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, महीना, दो महीना, तीन महीना। नॉर्मली इतने दिनों में मैक्सिमम बीमारी, चाहे वो सर दर्द हो या कैंसर हो, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो, ठीक होते हुए देखा है। मेरे खुद के 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब ये सारी चीजें ठीक कैसे हुआ? क्योंकि हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो ऊपर वाले ने इंस्टॉल किया है। वो किसी वजह से डोरमेंट पड़ा है, सुप्त अवस्था में है, उसे रेकी रीएक्टिवेटेड कर देता है। फिर आपका माइंड पॉजिटिव बना देता है, सो दैट आप पॉजिटिव सोचो। और जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, विश्वास करते हो कि ये ठीक हो रहा है, तो नॉर्मली वो ठीक होगा। क्योंकि डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत नेगेटिव हो और विश्वास करे कि मैं ठीक ही नहीं हो सकता, तो उसका दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए पॉजिटिविटी जरूरी है, वो होपफुलनेस जरूरी है। तो रेकी सबसे पहले वही क्रिएट करता है, और आपका माइंड बोलता है यस, मैं अब ठीक हो सकता हूँ। अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हो तो आपको लगता है हाँ, मेरे हीलिंग देने से इसको फायदा होगा और ये भी ठीक हो ही जाएगा। और ठीक रेकी नहीं करता, रेकी तो एक एनर्जी है जो अंदर बैठे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक टूल की तरह काम कर रहा है। और आपका अंदर ऑलरेडी एक डॉक्टर बैठा है जो हील करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। ये जो बॉडी हमारा ईश्वर ने बनाया है, ये ऐसा डिजाइन है कि ये कभी बीमार ना पड़े, लेकिन हम फिर भी उसे बीमार बनाते हैं, तो उसे ठीक भी कर सकते हैं। इसीलिए रेकी एंड माइंड पावर आराम से काम करता है, अंदर के रूट कॉज को ठीक करता है और आपकी हर बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। दूसरी बात, क्या ये बाकी की चीज़ों को भी ठीक करता है, लाइक किसी का रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम? हाँ, वो भी ठीक करता है। और मैं अभी जिसकी कहानी बताने वाला हूँ, लाइव टेस्टिमोनियल दूंगा, उनकी लाइफ में ये हर प्रॉब्लम ठीक हुआ है। उनका मेंटल स्ट्रेस ठीक हुआ, उनका नेगेटिविटी ठीक हुआ, उनका डिप्रेशन ठीक हुआ, उनका रिलेशनशिप बेटर हुआ, उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुआ, यहाँ तक कि अपने को ठीक करने के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चे की एक बीमारी ठीक की, जिसको सो कॉल्ड इनक्यूरेबल बोलते हैं, जिंदगी भर उसको दवाई लेने की बात करते हैं, वो भी ठीक हुआ। कैसे ठीक हुआ वो आप अनामिका से सुनिए। वो मेरी एक रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट है। ऑनलाइन उन्होंने मुझसे सीखा, अपने हर बिजीनेस के बीच में सीखा, क्योंकि एक होम मेकर है, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, हर काम उनको करना पड़ता है, यहाँ तक कि घर का काम हुआ, बच्चों की देखभाल हुआ, और फिर मार्केट का काम, जो भी चीज़ें हर चीज़ करना चाहिए अकेली संभालती है। फिर भी आसानी से मेरे कोर्स को देख पाई, आसानी से सीख पाई, प्रैक्टिस कर पाई मेरे गाइडेंस में। और दो महीने के बाद उन्होंने जो रिजल्ट बताया, वो मैं अभी आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज उसको देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। उनका नाम है अनामिका दास। वेलकम, आपका स्वागत है। बताइए अपने बारे में और आरएमपी की जर्नी कैसी रही, बताइए प्लीज। सर, मेरा नाम अनामिका है, मैं आसाम से हूँ जी, एंड मेरे दो बच्चे हैं। सर, मुझे आपका कोर्स इंस्टाग्राम के थ्रू से मिला था, तो मैंने किया। मुझे एक्चुअली एंजाइटी एंड डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। उसके बाद जब मैंने इतना, मतलब मेरे को नेगेटिविटी था, तो मैं मतलब हीलिंग भी नहीं कर पा रही थी। एक महीना, डेढ़ महीना ऐसा मेरा गया। फिर मैंने एक बार आपको कॉल करके बोला कि सर मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर सर आपने बोला कि फिर दोबारा से शुरू करो। और पूरा मतलब रूटीन वाइज 5 बजे उठ के मैंने करना शुरू किया, देन विद इन 15 डेज मेरे को मतलब रिजल्ट देखना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे मेरा एक एक करके सारा नेगेटिविटी खत्म हो रहा था।
जैसे कि मेरा इतना नेगेटिविटी था कि मैं सारा दिन सोते रहती थी, कुछ कर भी नहीं पाती थी, बच्चों को भी नहीं संभाल पाती थी, फिर रिलेशनशिप में भी मेरे को प्रॉब्लम था। तो वो धीरे धीरे सारा सॉल्व हो गया। मैं फिर अभी तो मेरा चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं दो बच्चे को संभाल रही हूँ। मार्केट अकेले, मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, उनका अलग जगह में ट्रांसफर है, तो सब कुछ मैं अकेले संभाल रही हूँ अभी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपको डिप्रेशन एंजाइटी जो बोल रहे हैं, कितने दिनों से था या कितने महीनों से था आपको? तो 2 साल से, छोटी 2 साल से था, ओके। और उम्र क्यों, से है। डिप्रेशन और ये डिप्रेशन क्यों शुरू हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं अगर पर्सनल ना हो तो? शुरू हुआ सर ऐसे, थोड़ा मेरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था। हाँ, ओके, ठीक है। तो नेगेटिविटी आ रही थी आपकी नेगेटिविटी लाइफ में, है ना? आ रही थी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा एक्सपायर कर चुके थे। पहले मम्मी, उसके बाद मतलब 5 साल के अंदर मेरे पापा भी चले गए। और मेरे घर में मेरा छोटा भाई है और मेरी दादी है, ऐसे बहुत सारा फैमिली इशू है ऐसा करके। और आपके दो बच्चे में से कितने कितने बड़े बच्चे होंगे, आप बताएंगे? क्या क्या उम्र है आपके बच्चे? मेरी 7 इयर्स की बेटी है और 2 साल का बेटा है। ठीक है। और इसी दौरान आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया, तो इन बच्चों की वजह से आपको मतलब प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं हुई फिर? सर प्रॉब्लम तो होता, पर मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, जब वो सोता हाँ, रहता है तभी। ओके ओके। तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आपने ये प्रैक्टिसेस मैं किया? 5 बजे उठ जाती हूँ सर, कभी कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तो बच्चे के उठने के पहले ही मैं हीलिंग कर लेती हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और ऊपर से आप बंगाल आसाम से हो, तो दोपहर का तो नींद ले ही लेते हैं हम लोग, है ना? भात भात खा के सोने की आदत होती है ना दोपहर में, तो वहां पे थोड़ी बहुत नींद पूरी हो जाती है। अच्छा है, क्योंकि हमें मैनेज करना पड़ेगा ना, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है, राइट? तो आपने टाइम हाँ मैनेजमेंट सीखा और फिर आपने अपनी हीलिंग की, तो आपका एंजाइटी और डिप्रेशन पूरा ठीक हो गया अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। टोटल कितना दिन हुआ आपको मुझसे जुड़े हुए, आरएमपी करते हुए? वैसे तो मैंने सर आपसे अटूनमेंट लिया था मई में, पर ओके, तो प्रॉब्लम था तो मैं नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू, तो आपने सीरियसली अभी 2 महीने क्यों पहले। कर? हाँ जी सर। ठीक है, 2 महीने में आपका एंजाइटी डिप्रेशन ठीक हुआ, रिलेशनशिप बेटर हुआ, और आपको लगता है कि आप लाइफ थोड़ा कंट्रोल में आ गया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जी सर, जी सर। ओके, और क्या फायदा आपको लगता है, साइड बेनिफिट्स और क्या हुआ मेन? रिलेशनशिप का तो हुआ है अभी ओके, सो मेन है के। रिलेशनशिप, राइट? सो रिलेशनशिप होने जी से आपके चेहरे पर ये जो खुशी आई है वो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? और प्लस आप दूसरों की हीलिंग कर पाते हो, आपको टाइम तो मिलता नहीं होगा। सर, मेरा बेटा का अस्थमा का प्रॉब्लम था, वो कंप्लीटली ठीक हो गया। आपके बेटे का अस्थमा आपने ठीक किया? कितने जी सर, मैंने ठीक किया। दिन में आपके, कितने दिन का हीलिंग से ठीक हुआ होगा? मैं तो उसको कंटिन्यूस देती ही रहती हूँ, रोज देती कब हूँ, से दे रहे हो कंटिन्यूस? तो 2 महीने से दे रही हूँ। मतलब जब से आपने प्रैक्टिस शुरू किया तब से हाँ, अपनी तब बीवी से। के साथ आपने बेटे को भी दिया, जिस 2 महीने में बच्चे का अस्थमा 100% ठीक हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदरवाइज तो अस्थमा के लिए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग एंडोर्स करते हैं कि देखो मैं तो पंप लगाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। भगवान ना करे अगर बच्चा ठीक ना होता तो जिंदगी भर ये इनहेलर लेना पड़ता, और वो बहुत खतरनाक भी होता है कई बार, है ना? तो आपके बच्चे का इनहेलर से पीछा छूट गया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नेल में फंगस था, 5 साल ओके, से वो ठीक हो गया, कंप्लीटली ठीक हो गया। मैंने कितना डॉक्टर चेंज किया, कितना एंटीबायोटिक्स खाया, तो नहीं ठीक हो रहा था वो। अपने आप हीलिंग उसके लिए अलग से कुछ नहीं किया ना, आप जो हीलिंग करते थे उसी से सब ठीक? नहीं, ओके देख, ओके, कभी कभी जब टाइम मिलता था तो मैं नेल्स में अलग से हीलिंग देती अलग से थी। देखते थे, बट फिर भी मतलब ओवरऑल इसी चीज से आपका ठीक हुआ, ठीक है? जी और जी कुछ अच्छा हुआ है आपकी तरफ से इस कोर्स में, क्या फायदा और क्या हो सकता? अभी सर पता नहीं, जब से मैंने समृद्धि सर शक्तिपात लिया है तब से हाँ, क्यों सर बोलो? पैसे का तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुमने कुछ किया है क्या, तो मैं नहीं कुछ नहीं किया है। वो मतलब क्या अच्छा कर हो रहा रहा है है अभी ना, मेरे को। हाँ अच्छा हो रहा है, हाँ ठीक है। समृद्धि शक्तिपात के बाद पैसे का भी कुछ अच्छा ही आदान प्रदान हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना? तो जी सर, प्रोस्पेरिटी आ रही है इसका मतलब, है ना? तो कुल जी मिला सर, के जो कुछ भी आपने सीखा फायदा हो रहा है, आरएमपी से भी फायदा हुआ, मनी रेकी से भी फायदा हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई। एंड थैंक यू सो मच साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए कि सर हाँ आपको मुझे। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपके वजह से तो मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। थैंक यू सो मच अनामिका। देखो मैं बोलता हूँ कि देखो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक गाइड हूँ, मेंटोर हूँ। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो मैं कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकता था, ठीक है? इसलिए थैंक यू मैं आपको बोलता हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हो ना, आप ही तो मेहनत कर रहे हो। सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस कौन करता था? आप करते थे।
ठीक है, अपने बच्चों के साथ में आपने सारा संघर्ष किया और आज आप इतने खुश होकर ये चीज बोल रहे हो, तो मुझे खुशी है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पाया। सो गॉड ब्लेस यू, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। तो सुना आपने, अनामिका दास ने न केवल अपने डिप्रेशन को दूर किया, अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाया, बल्कि अपने बेटे का अस्थमा ठीक कर दिया और अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली ग्रो करने की भी मदद की। बोल रही कि सर आजकल बहुत मज़ा आता है, उनके चेहरे पर जो खुशी थी उससे आपको एहसास तो हो गया होगा। तो अगर आपको भी अनामिका की तरह, चाहे वह कितने भी बिजी हो, रेकी सीखना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करना है, अपनी लाइफ में हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, मेरे लाइव वेबिनार के लिए रजिस्टर करें और मैं आपको वहां मिलता हूं। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा और फिर आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।